तो बेटा मैं आपको बता रहा था, आपने किसी शॉपकीपर के पास 200 रुपए जमा किए थे और वो 200 रुपए आपने कहा जैसे जैसे मैं सामान लूंगी वैसे वैसे मैं एडजस्ट करवाती जाऊंगी। एक दिन आप गए, आपने 80 रुपए का सामान लिया, अब आपके कितने बचे? 120 रुपए। अब आप अगली बार गए, आपने 140 का सामान ले लिया, तो बेटा आपके जमा कितने थे? सिर्फ 120 रुपए। आपने सामान कितना ले लिया? 140 रुपए का। तो बेटा 20 रुपए आपको जेब से देने पड़ेंगे ना उसे, या आप कहोगे कि नहीं अंकल ये आ गया अभी अगली बार में और मैं आऊंगी तब भी और आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना बेटा, जितने रुपए जमा है उतना ही तो कटेगा। तो वैसे ही शेयर्स के केस में भी सेम है। अब आप इसको शेयर्स के एग्जांपल से रिलेट करो, सिंपल सी बात बताता हूँ। आपने किसी कंपनी को पैसे दिए कितने रुपए पता है? आपने 72 शेयर्स खरीदने के पैसे दिए, 72 × 6 रुपीज के हिसाब से, तो जो भी होता है 400 कुछ रुपए होता है ना, वो आपने पैसे दिए। अब आपको उस कंपनी ने शेयर दिए 60 शेयर्स, तो 12 शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है आपका 72 रुपीज, 12 शेयर्स × 6 रुपीज के हिसाब से 72 रुपीज इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो बेटा 72 रुपीज आप कहोगे बेटा हमारा एडवांस जमा है उस कंपनी के पास, अब अगली इंस्टॉलमेंट आएगी तब वो 72 रुपीज एडजस्ट होंगे ना, तो अगली इंस्टॉलमेंट पे आपके बनते हैं 60 शेयर्स × 2 रुपए के हिसाब से 120 रुपए। अब 120 रुपए कंपनी आपसे मांग रही है, तो आप क्या बोलोगे? 72 तो मेरे जमा है, बाकी के कितने बचे? 48। लो 48 रुपए दे रही हूं मैं अभी। बेटा यहां पर 48 रुपीज उस शेयर होल्डर को देने पड़ेंगे कंपनी को, शेयर होल्डर देगा कंपनी को, क्योंकि कंपनी के पास उस शेयर होल्डर के कम रुपए जमा है। अगर ज्यादा जमा होते, सपोज 120 रुपए उस शेयर होल्डर के बनते और मान लीजिए 150 रुपए जमा होते कंपनी के पास, तो वो तब नहीं देता, तब कहता अलॉटमेंट के पैसे आए हैं, उल्टा 30 रुपए माथे आपके और 30 रुपए अगली फर्स्ट कॉल में मैं आपसे एडजस्ट करवाऊंगी। तो बेटा वहां पे तो हो सकता था जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो उसका जो अलॉटमेंट ड्यू होता था उससे ज्यादा होती, तो लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा है ही नहीं, कैसे एडजस्ट कर लूं मैं बताओ? अब बैठा दिमाग में कुछ यस सर बेटा? तो आप एक्स्ट्रा पैसा बेटा केवल उतना एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपके आपका पैसा कंपनी के पास पड़ा है एक्स्ट्रा, है ना? और अब मान लीजिए आपका कॉल ड्यू मतलब अलॉटमेंट या नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो भी है अगर वो ड्यू होती है उस पे पैसे ज्यादा है, जितना आपका एडवांस पड़ा है उससे कहीं ज्यादा पैसा आ रहा है उस अलॉटमेंट पे, जैसे अलॉटमेंट पे आपके ड्यू हो रहे हैं 150 और आपका एडवांस पड़ा है 120 रुपए, 30 रुपए तो आपको देने पड़ेंगे ना। हाँ अगर आपका ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट पे 150 रुपए और आपका 200 रुपए कंपनी के पास पड़ा है, तो 50 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी को कहोगे कि फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना, वो तब होता जब आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट ड्यू से ज्यादा आता। ये बात मैं आपको बताऊं, मैंने जब इलस्ट्रेशन 13 के एबीसी पॉइंट पढ़ाए थे ना तभी क्लियर की थी, मैंने बोला भी था ये ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत रुलाता है, बस ये इसी वजह से रुलाता है कि बच्चा ये समझ नहीं पाता प्रोराटा केसेस में कि पैसा एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, कब फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा और कितना कितना होगा। आई बात समझ में? तो ये वाला बेटा हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें 360 रुपए वाली जो वाई वाली कैलकुलेशन है एक बार मैं वो फिर से बता देता हूँ, कुछ बच्चों को अभी समझ नहीं आई होगी। तो एक बार वाई वाला एंट्री देख लीजिएगा, सिर्फ जो डिसऑनर फोरफीचर वाला एंट्री है, वाई करेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। बेटा कॉल्स इन अरियर में इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट आता है 60 शेयर्स पे 6 रुपए, 60 × 6 रुपीज मतलब हो गया 360 रुपीज, या 60 शेयर्स पे 10 रुपए की फेस वैल्यू कॉल की है मतलब 600, या 60 × 2 रुपए का प्रीमियम मिला, 1 रुपए है 1 रुपए है 120, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर बैठेगा कितना? 360। मैंने पहले ये 360 नहीं लिया था, मैंने यहाँ पे 120 ले लिया था बेटा। कॉल से नरियर में सिर्फ मैंने एसपीआर वाला अमाउंट ड्यू बता दिया था, जबकि 3 और 3 6 रुपए बनते हैं, टोटल 360 रुपए। तो ये थोड़ा सा आपको करेक्ट करना है इसे, ठीक है? तो 360 आ जाएगा, इस तरीके से ये एंट्री हुई थी। क्लियर है सब बच्चों को? एक बार इसका बैलेंस शीट बनाया बच्चा। ओके जी, इसकी बैलेंस शीट देखिएगा बच्चे। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का, इसी के साथ हमारा पूरा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है बच्चा।
ये पूरा लास्ट आपका टॉपिक था इसमें। अब इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी जरा देखिएगा, इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट। सिर्फ बेटा बैलेंस शीट में मैं सब्सक्राइब्ड और वो वाला पार्ट बता रहा हूँ आपको ना, ऑथराइज कैपिटल वाला, वर्किंग नोट वाला, फिर इसको रफ करके मैं बनाऊंगा फर्स्ट वाला पार्ट आपका, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स टू अकाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स टू अकाउंट यहाँ बनाता हूँ और फिर बाद में इसको रफ करके हम लोग बैलेंस शीट का पार्ट बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट इसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर डाल करके हम लोग लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब नहीं, पहले ऑथराइज कैपिटल फिर सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल कंपनी के पास कितनी है देखिए जरा, क्वेश्चन में लिखा था कंपनी ने 2000 शेयर सिर्फ अलॉट करने के लिए रखे हैं ना, कंपनी ने ये तो बताया नहीं कि इसके पास टोटल शेयर्स हैं कितने, तो आप लिखेंगे 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 20,000 रुपीज के ऑथराइज कैपिटल हो गए, यही टोटल मार्क करके खत्म। फिर है इशूड कैपिटल, इसमें भी सेम, कंपनी ने 2000 इक्विटी शेयर इशू करने के लिए रखे हैं, ऑफ ₹10 ईच, 20,000 लिखना था मुझे, मैंने 20 लाख लिख दिया 20,000, तो यहाँ पे भी 20,000 लिख करके इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल दोनों शोपीस आइटम्स होते हैं। यहां से हमारा मेन स्टार्ट होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में अभी बाजार में कितने शेयर्स इशूड हैं ये समझना, आपने पहले 2000 शेयर्स इशू किए थे, उसमें से आपने 40 एक फोरफिट किए, 60 एक फोरफिट किए, माइनस कर दो जो फोरफिट किए, फिर से रीइशू कर दिए 80 नंबर ऑफ शेयर्स, तो बेटा बाजार में मेरे 1980 शेयर्स इशू है, 1980, तो हम लिखेंगे 1980 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितने रुपए के हो गए, 19,800 रुपए के अंदर वाली साइड में अमाउंट, इसमें ऐड करेंगे क्या, बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये वो वाला बैलेंस शेयर फॉर फ्यूचर का ऐड करेंगे जिन्हें अभी रीइशू नहीं किया, वो शेयर्स जो अभी तक रीशूट नहीं हुए, एक्स के 20 शेयर से रीशूट हुए, अगर आप देखो यहाँ पे तो एक्स के 20 शेयर से रीशूट हुए, टोटल एक्स के जो शेयर्स हैं वो कितने फोरफिट हुए थे, 40, इसमें से 20 तो रीशू हो गए, 20 रीशूट नहीं हुए, ये तो रीशूट हो गए, ये नॉट रीशूट रहे, तो बेटा जो रीशूट नहीं हुए ना उन शेयर्स पे जो रुपए आपने फोरफिट किए कैसे पता चलेगा, वही फॉर्मूला, 240 रुपए फोरफिट किए 40 शेयर्स पे, तो 20 शेयर्स पे कितना, 120 रुपए, तो 120 रुपए हम लोग जो है ये बैलेंस इन शेयर फोरफिचर में शो करेंगे। कॉल इन अरियर इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बच्चा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में जिस बंदों से पैसा नहीं मिला था आपने उन बंदों को क्या किया, आपने उन बंदों के शेयर फोरफिट कर लिए और बाद में उसको रीइशू भी कर लिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा जो है वो वापस आपके पास आ गया है, 1980 और 120 टोटल मिलाकर के 19,920 रुपए आएंगे आपके शेयर कैपिटल वाली जो सब हेडिंग होती है उसमें, नंबर एक। नंबर दो पे एक आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस वाली हेडिंग में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शो करेंगे। एसपीआर कैसे निकलेगा जरा ये समझना, हमारे टोटल 2000 नंबर ऑफ शेयर हमने रीइशू कर रखे थे बाजार में, 2000 इंटू प्रीमियम था 4 रुपए का, टोटल होता है 8,000 रुपए, 8,000 में से प्रीमियम कितना कितना नहीं मिला, 32 रुपए इसका नहीं मिला, इसका नहीं मिला, मतलब आपके पास जो एसपीआर हो ना आप उसे प्लस करके लिख लेना, देखना कितना आता है, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आता है 40 × 1 × 1, मतलब ये हो गया 40, 32 रुपए माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है, ये माइनस करने वाला आइटम है, नीचे लिख रहा हूँ 32 × 1 = 40, 40 तो मिला ही नहीं हमको, और 80 रुपए, 80 × 80 = 160, 192 रुपीज आपको माइनस करना है इसको से, ये माइनस करके आपका जो भी बैलेंस आएगा 7,708 रुपीज, 7,808 रुपीज ये एसपीआर में लिखना है, और कैपिटल रिजर्व में जो भी आपका आंसर आया 400 वो लिखना है, ठीक है। और लास्ट में थर्ड नंबर की हेडिंग में कैश एट बैंक लिखना है, जो अपन कैश इन कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं ना वहां पे कैश एट बैंक लिखना है,
इन दोनों का टोटल मार करके लिख देना कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है आप पूरा लिख देना इन सबको ऐड कर। तो फर्स्ट वाला पार्ट में मान लू आपसे बन जाएगा, उसमें सिर्फ आपको शो करके शो ही तो करना है। पहले आपको लिखना है शेयर होल्डर इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, उसको वन नंबर के नोट से रेफर करना है, उसमें अमाउंट आएगा ये वाला 19920। उसके नीचे लिखना रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसको टू नंबर के वर्किंग नोट से रेफर करना है, उसमें अमाउंट आएगा इन दोनों का टोटल 8208। और फिर उसका टोटल ऑफ वन करके फिर असेट साइड लिखना है असेट, उसमें आपको कैश एट बैंक लिखना है, करंट असेट्स के अंदर कैश एट बैंक। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो आप बना सकते हैं बिकॉज हमने उसको बनवाया भी है। यहाँ चलो मैं एक बार बनवाई देता हूँ, मैं रफ करके बनवाई देता हूँ उसको बेटा एक बार, इस क्वेश्चन का पार्ट। देखिएगा बच्चा इसको हटा करके हम वो क्वेश्चन बना ही देते हैं। कोई बच्चे डिस्कनेक्ट मत होना, बहुत सारी मतलब आपसे बात करनी है। ये नोट्स टू अकाउंट बनेगा इधर और इधर आपका अमाउंट आ जाएगा, नोट नंबर अमाउंट पर्टिकुलर्स बैलेंस शीट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट लिखना है यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आपको सबसे पहले डालना है क्या अमाउंट डालना है, फर्स्ट डालना है शेयर होल्डर फंड, इसमें लिखना है शेयर कैपिटल, बी लिखना है रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल को नोट नंबर वन से रेफर किया, यहाँ से ये यहाँ पे आ गया 19920। आप देखिए कि यहाँ पे वन नंबर का नोट ये है, टू फिर ये है और थ्री फिर ये, तो बेटा वन नंबर के नोट का आंसर आ रहा है 19920। तो 19920 रिजर्व्स एंड सरप्लस को दो नंबर से हमें रेफर करना है, इन दोनों का टोटल 8208 टोटल ऑफ वन निकालना है। बेटा एक बार ना आप लोग अपनी तरफ से एसपीआर में जो क्रेडिट अमाउंट है ना उसको कर लेना प्लस, और जो डेबिट अमाउंट है एसपीआर का एंट्रीज में उसको कर लेना माइनस, है ना। उसका 8708 आना चाहिए वैसे तो 28,128 रुपए। और ये आएगा यहाँ पे सेकंड साइड में असेट्स, असेट्स के फर्स्ट पॉइंट को लिखेंगे आप करंट असेट्स, ये मेन हेडिंग, और इसमें सब हेडिंग आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तीन नंबर से नोट को 28128 टोटल मार देंगे, टोटल ऑफ टू, ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट। बस बैलेंस शीट में इतना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 91 का बैलेंस शीट है ये बच्चा। ओके जी, आपको समझ आ गया क्वेश्चन पूरा। एक अब आपके पास क्वेश्चन होमवर्क जो है 86, 87, 88 तीन क्वेश्चंस है, देखें कितने बच्चे कर पाते। 86, 87 और 88 जो बच्चा करके ला रहा है ना बच्चा, मैं तो उसी को फॉलो करते हुए चलूंगा। जो जिन बच्चों को नहीं आ रहे हम वही चीजें क्लास में डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन तो डिस्कस हो नहीं सकता। कल अगर बच्चों को डाउट नहीं आता है तो नेक्स्ट टू क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, और एक वो कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला जो टॉपिक है वो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। एक बार आप सुनिएगा,